बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू है सबक नंबर 5, अदीब की इज्जत। इस सबक के मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद, जबकि माखज उनकी किताब आखिरी तोहफा है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। हजरत कमर ने बगैर चीनी और दूध के 20 दफा उबाली हुई चाय का प्याला पिया, यही उनका नाश्ता था। उनके नजदीक दूध और चीनी मिलाने से चाय का जायका बिगड़ जाता है। जवानी में ही उनको लिखने की बीमारी लग गई थी और अब वो 20 साल से इसे पाले हुए थे। माली मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद उन्होंने कस्बे मुआश के और किसी जरिए की तरफ तवज्जो भी न की। सुबह से शाम तक दुनिया से बेखबर अदब की खिदमत में मसरूफ रहते। मुआशी परेशानियों ने इन्हें मायूस कर दिया था, मगर इस सब में जो बात ज़हनी तस्कीन का बाइस थी वह इनकी बीवी थी, जो तर्को एसार में इनसे भी बड़ी हुई थी। एक रोज एक रईस के यहां कोई तकरीब थी, हजरत कमर को भी मदऊ किया गया। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। बीवी के मना करने के बावजूद वो तकरीब में शिरकत के लिए बज़िद थे कि हर शख्स के दिल में एजाज़ो एहतराम की भूख होती है। पहले सोचा कि शाम को चिराग जल जाने के बाद जाऊंगा, मगर फिर कहने लगे कि जिनको रईस मदु करें वो कोई मामूली लोग नहीं होते। चुनाचे एक फटी पुरानी उचकन, सड़े हुए जूते और बेतुकी सी टोपी पहने घर से बड़े गुरूर के साथ निकले। तकरीब के लिए आपने एक नज़्म गार कर रखी थी। बहुत से दुकानदारों का कर्ज हजरत कमर के जिम्मे वाजिबुल अदा था। बेचारे इनके नाम को रो बैठे थे। पहले हजरत कमर इनका सामना करने से कतराते थे, मगर आज तो खुद दुकानदारों के पास जा जाकर अशिया की कीमतें मालूम कर रहे थे और बातों ही बातों में कहते कि भाई, राजा साहब ने मदू किया है। दुकानदार ये सुनकर जरा रोब में आ जाते और हजरत कमर की तारीफों के पुल बांध देते। हजरत कमर जब राजा साहब के बंगले पर पहुंचे तो दरबान ने सर से पांव तक देखा और फिर दावती कार्ड दिखाने को कहा। हजरत कमर बरहम हो गए कि सिर्फ मुझी से कार्ड का तकाजा क्यों किया गया। कहने लगे कि राजा साहब को बता देना कि कमर आए थे और लौट गए। दरबान ने रास्ता छोड़ दिया और हजरत कमर तकरीब में शरीक हो गए। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदम किया और मेहमानों से उनका तारुफ करवाने लगे। आपने हजरत कमर शायर का नाम तो सुना होगा, वो आप ही हैं। मेहमान इनको देखते तो कहते कि अच्छा, आप शायर हैं। हजरत कमर इन अल्फाज में पोशीदा मानी बखूबी समझते थे। एक अंग्रेज पोस्ट साहब से हजरत कमर की नोक झोंक हो गई। राजा साहब की मुदाखलत से मामला रफा दफा हो गया। अब तक हजरत कमर को बखूबी समझ आ चुकी थी कि इस तकरीब में उनका क्या मकाम है और अपना झोंपड़ा किसी जन्नत से कम नहीं। कुछ देर बाद वो साहब आ गए जिनके एजाज में ये तकरीब मुनाकिद की गई थी। राजा साहब ने लपक कर उनसे हाथ मिलाया और हजरत कमर से कहा कि आप अपनी नज़्म तो लाए होंगे। हजरत कमर ने कहा कि मैंने कोई नज़्म तैयार नहीं की। राजा साहब ने चिल्लाकर कहा कि किसी और शायर की ही नज़्म पढ़ दो। हजरत कमर ने जवाब दिया कि मैं कोई भाट या मिरासी नहीं हूँ। चुनाचे ये कहकर वहां से चल दिए और घर आ गए। बीवी ने कहा कि चेहरा खिला हुआ है, खूब इज्जत अफजाई हुई होगी। कहा, ऐसी कि ख्वाब में भी उम्मीद न थी। मेरा ये झोंपड़ा ही मेरे लिए जन्नत है। मैंने आज समझ लिया है कि अदबी खिदमत पूरी इबादत है।